वेलकम बैक। पिछले एक वीडियो पे एक कमेंट था, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं यहाँ पर जस्ट अपना ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन बताता हूँ, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, किसी को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा या किसी को फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा, आई एम जस्ट पुटिंग आउट माय व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट एनीथिंग। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का वीडियो कुछ खास नहीं है, जस्ट एक डिस्कशन होगा। जैसा मैंने आपको कहा था कि मेरे चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि मैं भारत के उन टॉपिक्स को डिस्कस करूं जो वाकई में भारत से मैटर करते हैं, मसलन पानी है, मानसून है, खेतीबाड़ी है, एजुकेशन है, जॉब्स हैं, हेल्थ सेक्टर है, डिफेंस है। मैं जब से छोटा था तब से पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तब से इस देश की पॉलिटी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, देश कैसे चलता है। और इस ऑब्जर्वेशन से मुझे याद आया कि जो बिल 1 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि इसी बजट सत्र में आएगा, सुनने में आ रहा है कि वो मानसून सत्र के लिए भेज दिया गया आगे। क्यों? क्योंकि चुनाव है ना, चुनाव के समय देश के अंदर पेट्रोल की कीमतें भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती हैं और चुनाव के समय एक ऐसा डिसीजन भी आप नहीं लेते जो प्राइवेटाइजेशन को बैकफायर करेगा। अगर आपको मेरे पिछले वीडियो का कंटेंट याद हो तो मैंने उसमें कहा था कि एक ऐसा देश जिसके अंदर हर साल आपको किसी न किसी राज्य के चुनाव में जाना पड़ता है, वहाँ आपको अपने हर डिसीजन को जस्टिफाई करना ही पड़ेगा आम जनता को। 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये दो बड़े राज्य हैं, 2022 में भी चुनाव है उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात का चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। तो अगर वाकई में एक ऐसा डिसीजन है जो देश के लिए है, देश के हित में है, तो फिर चुनावों का क्या वेट करना। जिस सरदार मनमोहन सिंह को हमने 10 साल कमज़ार प्रधानमंत्री कहा, वो सरदार मनमोहन सिंह अपने पद से इस्तीफा लेकर तैयार बैठे होते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन में चले जाते हैं 2008 में, एक ऐसी डील को लेकर जिसके लिए तमाम बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि ये भारत के हित की डील है। भारत अमेरिका के बीच की न्यूक्लियर डील पर काफ़ी लोगों ने उस समय ये कह दिया था कि हम गठबंधन से समर्थन खींच लेंगे, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार गिरने का डर नहीं दिखाया, मनमोहन सिंह ने चुनावों की चिंता नहीं की, वो तो चले गए 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन में। दरअसल ये कुंठाएँ हैं, कुंठाएँ। फॉर एग्जांपल, मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि एक अमेरिकी ड्रीम, एक अमेरिकी लाइफ बिल्कुल खुली होती है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती, कोई आपको परेशान नहीं करता। जनरली एक परसेप्शन ये है कि अमेरिकन ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खुली ज़िंदगी है और यही आपकी कुंठा का कारण है, यही कुंठा आपको मजबूर करती है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के समकक्ष आप एक स्टैचू ऑफ यूनिटी चाहते हैं, यही कुंठा आपको मजबूर करती है कि एयरफोर्स वन की जगह आपको एयर इंडिया वन चाहिए, यही कुंठा आपको मजबूर करती है कि आप देश के बचे खुचे मजबूत ढांचे को ढहाकर अमेरिकी ढांचा बनाना चाहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि अमेरिका 2008 में रिसेशन से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के इसी मिक्स्ड इकोनॉमी के ढांचे ने हिंदुस्तान को उस ब्लंडर से बचा लिया था। पिछले कुछ वीडियोस में मुझे लोग सिखा रहे थे, समझा रहे थे कि अगर ये सब चलता रहेगा तो देश सुपर पावर कब बनेगा। पहली बात तो ये, अगर वाकई में कोई भी फैसला राष्ट्रहित का है तो आप चुनाव को मत सोचिए, आप मत सोचिए कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें रहनी चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। इस्तीफा लेके जेब में चलो ना, अगर देश के प्रति जज्बा है, झंडे को लेके आपके मन में रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन अगर नहीं होते हैं उसी सूरत में आपको ये चुनाव आगे पीछे देखने पड़ते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मुझे बताया गया कि चाइना सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि चाइना दुनिया का डंपिंग यार्ड भी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ भी चाइना में है? क्या ये सच नहीं है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा चीप लेबर चाइना के अंदर आपको मिलता है? अमेरिकन सुपर पावर, जिस सुपर पावर की आप बात कर रहे हैं, क्या वो 2008 में घुटनों पर नहीं आ गया था? क्या वहाँ पर धड़ाधड़ सुइसाइड्स नहीं हुए थे? क्या वहाँ पर लोगों की सैलरी आधी रखकर उनको नौकरी से जाने से रोका नहीं गया था? क्या ये सच नहीं है कि सड़क किनारे लोग गले में पट्टा बांध के खड़े हो गए थे कि बीवी बीमार है, मजबूरी में इलाज के लिए पैसा चाहिए, नौकरी दे दो? उसी 2008 में हिंदुस्तानी फाउंडेशन, हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी सिद्धांतों ने हिंदुस्तानी संस्कृति, विश्वास, इकोनॉमी को बचा के रखा था। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी कुछ नहीं है? ये जो मन में कुंठाएं हैं ना कि हमारा पैकेज इनफ नहीं है, हम कमज़ोर हैं, अमेरिका कुछ है, हम कुछ नहीं है, ये मन से निकाल दीजिए। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि व्हाइट हाउस की सड़कों से बेटर इंदौर की सड़कें हैं। बहुत मजाक उड़ा था शिवराज सिंह चौहान का कि इंदौर की सड़कों को वाशिंगटन की सड़कों से सुंदर बताया था, लेकिन यकीन कीजिए जिस देश के अंदर ये लोकतंत्र बचा हुआ है, इतनी मजबूती से बचा हुआ है, वो देश इतना ख़राब नहीं है। हमारा पैकेज पूरी तरह गया भीता नहीं है, हम हैं। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर आप बेहतर नहीं बन सकते। आपको देश की फाउंडेशंस को हिलाने का अधिकार नहीं है, आप देश को वही रखिए, इससे सिचुएशन में बेटर लेके जाएंगे तो हम मानेंगे कि आप में कुछ करामात है।
आपकी करामात वो नहीं हो सकती है कि आप पूरे ढांचे को अमेरिकी ढांचा बना दें और जब 2008 जैसा सब प्राइम क्राइसिस आ जाए तो कह दें कि भैया ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर टू बिग टू फेल। वो देर सवेर आएगा। समझदारी तो इसी में है कि देश के बने बनाए ढांचे के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उसको रेनोवेशन जरूर किया जा सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये ढांचा काम नहीं करता। हाँ कमियाँ हैं, हाँ हिंदुस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट फाउंड नहीं होता, हाँ हिंदुस्तान के अंदर गूगल रजिस्टर नहीं होता, लेकिन जब रजिस्टर हो जाता है तो हिंदुस्तानी फाउंडेशन और हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही सुंदर पिचाई आज गूगल को हेड करते हैं। सत्य नाडेला हैदराबाद से निकलकर माइक्रोसॉफ्ट को यूं ही हेड नहीं करते, उनके खून के अंदर हिंदुस्तानी फाउंडेशन है, हिंदुस्तानी इकोनॉमी सिस्टम है, हिंदुस्तानी परिवारवाद है। जय हिंद।